हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा फ़ील कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना चैनल था ये जो पुराना चैनल है मेरा तो वो डिलीट हो चुका था मगर अभी वो क्या पता कैसे कोई मेरिकल हुआ है उससे मतलब मेरा चैनल वापस से रिकवर हो चुका है बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार मेरा अगर चैनल में अभी, अभी अगर गिव अवेज़ का कुछ हो पाता तो मैं ज़रूर से ज़रूर करता क्योंकि इतना ज़्यादा खुश हूँ कि क्या ही बताऊँ यार खैर जो भी तो हम लोग का अभी इस ओ वालों ने अभी हम लोगों को एक टीज़ किया था कुछ दिन पहले मैंने तो भी थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था जब चैनल डिलीट हुआ था तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था जैसे ही रिकवर हुआ है मेरे अंदर वापस से वो जोश आ चुका है तो हम लोगों को क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने एक टीज़ किया था एक पोस्टर दिया था हम लोगों को जिसमें हम लोगों को रॉयल चैम्पियन के साथ एक उसका स्पियर में कुछ अटैचमेंट लगा हुआ है तो वो प्रोबेबली हम लोगों का नया इक्विपमेंट हो सकता है ए एक इक्विपमेंट एक हो सकता है रॉयल चैंपियन का तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं कमाता तो है से कुछ ही दिन पहले क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने अपने कम्युनिटी पोस्ट में ये पोस्ट किया था ये फोटो जो है ये कॉन्सेप्ट आर्ट है या फिर कुछ भी है या फिर अगर ये लोग ट्रोल कर रहे हैं तो भाई ऐसा नहीं करो यार क्योंकि हम लोग बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं तो ये चीज़ हम लोगों को कंफर्म कर दिया गया है कि रॉयल चैम्पियन का ये जो है मुझे लग रहा है अगर ये फेक नहीं है तो ये मुझे लग रहा है कि कन्फर्म हम लोग का गेम के अंदर आ सकता है रॉयल चैम्पियन के एपिक इक्विपमेंट के नाम पर तो काफ़ी अमेजिंग है ये फ़ोटो में हम लोग देख सकते हैं कि ये रॉकेट बलून है ऊपर में और नीचे रॉयल चैंपियन किसी को टारगेट कर रही है और मुझे देखने से तो लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों का जो बलून है उसी को टारगेट कर रही है वो एनिमी लूनस है तो इसमें हम लोग अगर स्पीयर्स पे इसका गौर करें तो उसमें हम लोग स्पीयर तो नॉर्मल दिख रहा है साथ ही में थोड़ा सा अलग इसका कलर कर दिया गया है गोल्डन कर दिया गया सामने में और साथ ही में एक छोटा सा रॉकेट हम लोगों को उसमें बंधा हुआ दिख सकता है तो होप सो हम लोग इससे एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो हम लोग का रॉकेट बना हुआ है इसमें ये हम लोग का स्पियर को दूर तक थोड़ा ले जा सके शायद मुझे तो लग रहा है ऐसा ही हो सकता है या तो स्पियर दूर तक जाएगा या तो हम लोग का जो इस्पियस है वो हम लोग का जा करके ब्लास्ट हो जाएगा तो एरिया स्प्लैश डैमेज देगा तो ये हम लोगों का कंडीशन हो सकता है गेम में तो अगर ये इक्विपमेंट हम लोग का गेम के अंदर आता है तो हम लोग का पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा ए पी के इक्विपमेंट का हम लोग को चारों हीरो के ए पी के मिल जाएंगे अभी तो डेट कंफर्म नहीं किया गया है मगर मुझे जहाँ तक लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग का नेक्स्ट मंथ जो भी इवेंट आने वाला है उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा अगर मैं अपना थोड़ा सा ज्ञान दूं तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 10 से 20 तारीख के बीच में ही हम लोग को ये नया इक्विपमेंट देखने को मिल जाएगा अगर ये मिल जाता है रॉयल चैंपियन को भाई वो ज़्यादा और ज़्यादा ओपी हो जाएगी यार क्या गज़ब का इक्विपमेंट है मतलब अगर ये सच है तो ही मैं कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यार ये लोग बहुत ज़्यादा कभी कभी मजाक भी करते हैं और अभी जो नया कम्युनिटी मैनेजर आया है भाई गेम में वो तो भाई ज़्यादा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ ज़्यादा ही हाई है यार मतलब देखते हो रोज़ दिन उसका पोस्ट वगैरह क्या गज़ब गज़ब का पोस्ट आता है मीम्स आते हैं अच्छे रहते हैं मतलब अगर ये मीम नहीं है या ये कोई अगर मजाक है तो भाई पहले बता दो क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कि दो महीने से बैठे हुए हैं रॉयल चैंपियन का इक्विपमेंट के लिए तो चलो गाय वीडियो को यहीं पर रैपअप करते हैं होप्स सो वीडियो अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा अगर लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर